आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जा दोस्तों, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसके लिए सबसे बड़ा यहां पर ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। सभी पांच चरणों का यहां पर ताजा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। कौन कहां से जीत सकता है, कुछ बड़ी पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं। कर्नाटक उपचुनाव के नतीजे अगर आपको दिखाएं तो बेहद ही चौंकाने वाले नतीजे यहां पर निकल कर आ रहे हैं। महाराष्ट्र गठबंधन के बाद कर्नाटक उपचुनाव को महाराष्ट्र गठबंधन से जोड़ा जा रहा है और गठबंधन जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हुआ है उसका साफ तौर पर असर कर्नाटक में कांग्रेस को देखने को मिला है। अगर यहां पर कर्नाटक की बात करें तो बीजेपी एक तरफा इन 12 सीटों को जीती है 15 में से, लेकिन जनता ने अपना यहां पर फैसला दे दिया है। झारखंड की 13 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान भी समाप्त हो चुका है, इसके अलावा दूसरे चरण की 20 सीटों पर भी मतदान हो चुका है। तो अब तक 33 सीटों का मतदान हो चुका है, लेकिन 12 दिसंबर को 17 सीटों पर मतदान होगा। लेकिन इससे पहले कुछ चौंकाने वाले आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। तो झारखंड की 81 सीटों के लिए सबसे ताजा यहां पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। कई बड़े एक्सपर्ट और कई बड़े न्यूज चैनल का इसमें ओपिनियन शामिल है। अगर पहले चरण की बात करें तो 13 सीटों पर मतदान हो चुका है और इसके लिए अगर बात करें तो बीजेपी को 4 सीट यहां पर मिल सकती हैं। कांग्रेस, आरजेडी और यहां पर जेएमएम का जो महागठबंधन है उसको 7 सीटें जा सकती हैं। लेकिन कांग्रेस को क्या कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार से नुकसान हुआ है, क्या यहां पर झारखंड में हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो अभी आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं, जेवीएम को 1 सीट इन 13 सीटों के अंदर जा सकती है, एजीएस जो पार्टी उसको 1 सीट जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे चरण की 20 सीटों पर जो मतदान समाप्त हो चुका है उसकी अगर बात करें तो बीजेपी को 5 सीट यहां पर जा सकती है। कांग्रेस महागठबंधन के लिए उसको 14 सीटें जा सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। एजीएस पार्टी और जेवीएम को 1 भी सीट यहां पर मिलती नजर नहीं आ रही है। तीसरे चरण की अगर बात करें तो अब तक यहां पर मतदान नहीं हुआ है, लेकिन 17 सीटों पर 12 दिसंबर को मतदान है और इसके अगर आंकड़े आपको दिखाएं तो बीजेपी को 5 सीट जा सकती है। कांग्रेस महागठबंधन के लिए जो गठबंधन है उसको 9 सीटें जा सकती है, जेबीएम को 3 सीटें जा सकती है, वहीं अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। वही चौथे चरण की अगर बात की तो 15 सीटों पर ये मतदान होना है और बीजेपी को यहाँ पर 6 सीट, कांग्रेस जो गठबंधन है उसको 7 और यहाँ पर जेबीएम को 1 सीट और एजीएस जो पार्टी है उसको 1 सीट जा सकती है। अगर बात करें तो पांचवें चरण की 16 सीटों के लिए क्या कहता है एग्जिट पोल, बीजेपी को 7, कांग्रेस को 8, यहां पर जेबीएम के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के लिए कई बड़े एक्सपर्ट लोगों का ओपिनियन सामने आ चुका है। उनके अनुसार ये आंकड़े हैं कि 81 सीटों के लिए महागठबंधन को इस बार 45 सीटें जा सकती है। जहां दोस्तों कांग्रेस यहाँ पर जेएमएम और आरजेडी जिसमें जेएमएम सबसे बड़ा दल है, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है जिस कार के आंकड़े यहां पर कर्नाटक के निकल कर सामने आए हैं। तो महागठबंधन को थोड़ा कम नुकसान यहां पर हो सकता है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा फिलहाल यहां पर दिखाई दे रहा है। भाई बीजेपी के लिए यहां पर 24 सीटें इस बार मिलती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी गठबंधन में नहीं है तो बीजेपी की 24 ही सीटें रहेंगी और जेवीएम की 6 सीटें यहां पर इस बार जा सकती हैं और एजेजो पार्टी उसको 2 सीटें यहां पर जा सकती है, अन्य के खाते में 4 सीट यहां पर जाती नजर आ रही हैं। तो ये 2019 के लिए कई बड़े एक्सपर्ट लोगों का ओपिनियन सामने आया है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देगी इसके फाइनल रिजल्ट जो है वो 23 दिसंबर को देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी 3 चरणों का मतदान बाकी है और किस प्रकार के यहाँ पर आंकड़े निकलते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर जनसभाएं की जाती हैं, चुनावी प्रचार किए जाते हैं और जनता को किस प्रकार से अपने तरफ करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है इन 5 चरणों की 81 सीटों के लिए किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती है, किसकी बन सकती सरकार, तो अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। एक और नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।